सो आप लोग एक जंगल देख रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर गाटरासिनी के हिल्स के ऊपर, है एक मंदिर है, ठीक है। सो आप आगे आप वीडियो में उसे देखेंगे, तो फिलहाल तो ये सीधा रास्ता है, एक खड़ी चढ़ान है, उतना भी नहीं मतलब टफ नहीं है, इजी है, फिर भी देख लो आप लोग। यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधा ऊपर, फिर क्या बोलते हो, ठीक है, हम लोग ऊपर पहुँचेंगे फिर आप लोग मिलते हैं। अभी हम लोग आधा उठ चुके हैं, अभी यार आधी रास्ता बाकी है, तो ऊपर जा रहे हैं हम लोग हरियाणा के साथ। तो नीचे का देखो, ये लोग बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है। ऊपर जाएंगे ना तो मंदिर के पास बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको, तो ऊपर चलते हैं। आगे मंदिर मिल गए नहीं, चलो अभी हम लोग टॉप पर है गाटरासिनी पहाड़ के ऊपर, ठीक है। ये जो पीछे दिख रहा है ये भगवान शिव का मंदिर है, भोलेनाथ का, ठीक है। तो हम लोग पहले तो खंदारानी लेक गए थे, वहाँ से फिर आए हैं, इसके नीचे ही ठीक खंदारानी लेक है, तो थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है गाटरासिनी, तो फिर हम लोग घूम के आए और ऊपर उठे हैं। अभी हम टॉप पर है, ठीक है, गाटरासिनी हिल्स की। ये जो मंदिर है ना, ये लगभग दूर दूर से दिखाई देता है, अगर कोहरा नहीं होगा ना। सो ये नज़ारा देखो टॉप से ऊपर की तरफ, नीचे मतलब कोहरा है, ठीक से देख दिख रहा है, लेकिन नीचे रास्ते वगैरह बहुत कुछ है। सो अभी हम दिखाने मंदिर के टॉप पर है अभी गाटरासिनी हिल्स के, और ये देखो शिव का नज़ारा। सो नीचे देखो खंदारानी लेक, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, ठीक, ये है खंदारानी लेक। पहले हम वहाँ गए थे, वहाँ से फिर आए हैं गाटरासिनी हिल्स पर, तो हम लोग टॉप पर हैं। अरे ये भगवान शिव का मंदिर है भोलेनाथ का, तो थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे वहाँ से दिखाने की कोशिश। सो गाइस ये गाटरासिनी हिल्स के टॉप है, और हम लोग लगभग हर साल घूमने आते हैं गाटरासिनी हिल्स पर, ठीक है। और नीचे खंदारानी लेक, वहाँ पर पहले वहाँ आते हैं खंदारानी लेक, फिर हम लोग आते हैं गाटरासिनी, लगभग हर साल फिक्स है। तो चंदा इधर आती जाओ फाका। तो ये देखो नीचे का व्यूज, और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं उधर, देख सकते हैं आप लोग, लोग जा रहे हैं।
तो हम लोग टॉप पर है अभी गढ़ासिनी हिल्स के। ये जो मंदिर है ना, ये भगवान भोलेनाथ का, ये लगभग 7-8 किलोमीटर दूर से ही दिखता है। मतलब जहाँ तक अगर आसमान ठीक होगा ना, कोहरा नहीं होगा, अभी तो बहुत धुंध है, कोहरा इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर कोहरा नहीं होगा ना तो बहुत दूर से दिखाई देता है हमारा मंदिर। फिर हम लोग मंदिर को देखते हुए आगे बढ़ के आते हैं, ओ मोरा मंदिर, ओ रहा मंदिर, और फाइनली आज हम टॉप पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से नज़ारा देखो आप लोग कैसा लग रहा है। अभी धुंध है, ठीक है, उतना तो नीचे का व्यूज़ नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है नज़ारा। एक बार फिर से लगभग हर साल हम लोग आते हैं गढ़ासिनी हिल्स के टॉप पर, ठीक है, और इस साल भी आए हैं हम लोग तो घूमने के लिए। पहले उतना ब्लॉग वीडियोज़ नहीं बनाते, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं थोड़ा फन के लिए, तो सोचा कुछ ट्राई भी हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फिर से आए, लगभग हर साल आते हैं, ठीक। और ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ठीक है, यह टॉप पर एकदम है, और नीचे इधर से हम लोग आएंगे ऊपर से, तो दूर से ही दिखता है मंदिर, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ऊपर मंदिर है, वहाँ पर जा सकते हैं हम लोग। तो आए हैं, पहले हम लोग उधर गए थे कि वहाँ नीचे एक लेक है, ठीक है, यहाँ से उतना बढ़िया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे लेक है, उधर से घूम के आना पड़ता है थोड़ा उस तरफ से, ठीक है, तो घूम के ही सही, लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं, आ चुके हैं, तो हम लोग घूमेंगे थोड़ा बहुत और फिर निकलेंगे हम लोग। अभी धुंध है बहुत से, ठीक है, कोहरा वगैरह बहुत है, इसलिए उतना तो बढ़िया सा व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जितना आ रहा है लाजवाब है। तो हर साल आते हैं जैसा कि हम बोल रहे थे, तो इस साल भी हम लोग आए हैं। মোবাইল ভিডিও তুলে দিলে রাস্তার কম খতর না হয়। सो फिलहाल हम लोग उतर चुके हैं नीचे, ठीक है, गढ़ासिनी हिल्स के। अभी देखो तो बहुत सारे गाड़ी वगैरह आए हुए हैं, तो ये लोग जाएंगे तो हम लोग भी निकलेंगे। तो मुख से दिखाओ ना, व्यू के लिए दिखा भाई, तो बस हेलो है मानस, तो मुख तो देख के ही नहीं व्यू, मैंने कहा पास जे कोई भी सुन ले, ठीक है, मोटा मोटा जो नाश्ता करबे न भज की खागलो देखा जे, ठीक छे, देखो गाड़ी देखछो, एखने ह्यूज भीड़ आछे, बोलो खानदार रे टुटा सेरकम कोन, एखने पहाड़ रे ब्रेंचटा लगा जे कारण मानुष सब आछे।